हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी बीएल ड्रामा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच आपके लवली कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब के लिए। तो चलिए देखते हैं, फिर दिखाते हैं जहां पर ईट मीन घर के बाहर होते हैं। ईट कहता है मीन से, आई एम सॉरी मीन, डे की हालत अभी ठीक नहीं है। इस पर मीन कहती है, मैं समझ सकती हूँ कि पी डे को अभी कुछ भी याद नहीं है, पर मुझे लगता है कि पी डे तो हमेशा से ही मुझे डिसलाइक करता है, वो मुझे पहले से ही पसंद नहीं करता। इस पर ईट कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रही हो। इस पर मीन कहती है, मैं ज़्यादा नहीं सोच रही, मैं तो बस तुम्हें बताना चाहती थी। वैसे पी डे अपनी मेमोरी खो चुका है, पर वो अभी भी तुम्हारे बारे में केयर करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो ऐसा भी बिहेव नहीं करता, वो मुझे देख ऐसा बिहेव नहीं करता तुम्हारे साथ। इस पर ईट कहता है, पर इस तरह इमोशनली सपोर्ट करना बहुत ही हार्ड हो चुका है, पता नहीं डे की मेमोरी कब वापस आएगी। इस पर मीन कहती है, तुम डे को अपसेट मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पी डे तुम्हें हर्ट करे। पास्ट वाले पी डे के बारे में सोचकर तो मुझे अभी भी डर लगता है। इस पर ईट कहता है, थैंक यू सो मच मीन। इस पर मीन ईट का हाथ पकड़ती है और कहती है, ईट अगर कोई बात होगी, तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी तो तुम मुझे कॉल कभी भी कर सकते हो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। आगे मीन कहती है, वैसे ईट क्या तुम्हें पता है मैक्स कहाँ है? उसके फैमिली ने मुझे कॉल किया था कि मैक्स अभी तक घर नहीं पहुँचा है, वो घर नहीं गया। और मैक्स का नाम सुनकर यहाँ पर ईट मैक्स के बारे में सोचने लगता है। फिर सीन दिखाते हैं फ्लैशबैक का, 3 साल पहले का, जहाँ पर ईट मैक्स से मिलने जाता है। ईट बहुत ही गुस्से में होता है और गुस्से में कहता है, मैक्स। इतना कहकर वो गुस्से में मैक्स का कॉलर पकड़ता है। इस पर मैक्स कहता है, ईट तुम मुझसे मिलने यहाँ आ गए, पर तुम मेरा थोड़ा वेट करो, मेरी अभी रेस स्टार्ट होने ही वाली है। इस पर ईट गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मैक्स तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मीन को हर्ट करने की? जिस दिन मुझे मीन ने डंप किया था, मुझे लगा था तुम्हें देख कर कि एटलीस्ट कोई तो है जिससे मीन प्यार करती है, पर तुमने मीन को हर्ट किया। इस पर मैक्स गुस्से में ईट को धक्का देता है। फिर वो ईट को पकड़ता है और कहता है, पर मैं मीन से प्यार नहीं करता, मैं तुम से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने मीन के साथ फ्लर्ट किया ताकि मैं तुम दोनों को अलग कर सकूँ। इस पर ईट गुस्से में कहता है, तो क्या तुम्हें पछतावा नहीं है तुमने जो कुछ भी किया? तुमने मेरा और मीन का टाइम चुराया। इस पर मैक्स गुस्से में कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया है, मैंने तो मीन के साथ फ्लर्ट किया जिससे मैं कभी प्यार ही नहीं करता था, मैंने तुम्हारा वेट किया, मैंने तुमसे प्यार किया, पर तुमने क्या किया? तुमने किसी और को चूज कर लिया प्यार करने के लिए, तुम किसी और से प्यार करने लगे। और इतना कहकर मैक्स ईट को जबरदस्ती किस करने जाता है, और यहाँ पर ईट मैक्स को रोकता है, और तभी वह डे आ जाता है, और डे मैक्स को जोर से धक्का देता है, मैक्स नीचे गिर जाता है। और डे यहाँ ईट को पकड़ता है और कहता है, मैक्स से ईट सिर्फ मेरा। फिर डे गुस्से में ईट की तरफ देखता है और ईट के फेस को पकड़ता है और बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरे बिना अकेले कहीं नहीं जाओगे, तुम कहीं भी जाओगे मेरे साथ जाओगे, फिर तुम यहाँ अकेले क्यों आए? यहाँ पर डे ईट पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। फिर वो मैक्स को पकड़ता है और कहता है, और मैं तुम्हारा क्या करूँ? और इतना कहकर डे मैक्स को अपने फ्रेंड नन की तरफ धक्का देता है, और नन यहाँ पर मैक्स को पकड़ता है। फिर डे कहता है नन से, नन अब तुम्हारी मर्जी, तुम इसके साथ जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। और यहाँ पर नन मैक्स को देखने लगता है, और यहाँ पर मैक्स बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। वापस सीन दिखाते हैं ईट का, जहाँ पर ईट इन्हीं सब बातों को याद करता है, और वो मीन को कहता है, तो ठीक है, अगर मुझे मैक्स के बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं डे को, जो कि अपने कपल टी शर्ट देख रहा होता है और उसके बारे में सोचता है। और यहाँ पर डे का सीन खत्म होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर ईट डे को हॉस्पिटल लेकर जाता है, और वहाँ पर डे बिना किसी सपोर्ट के चलने की कोशिश करता है। तभी डे के डॉक्टर ईट से कहते हैं, डे की रिकवरी काफ़ी फास्ट हो रही है। इस पर ईट कहता है, लेकिन डे की मेमोरी को आने में कितना टाइम लगेगा? इस पर डॉक्टर कहते हैं, डे की मेमोरी वापस आने में अभी टाइम लगेगा, आप डे को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। पर ईट कहता है, पर डे जब भी पुरानी बातों की याद करता है उसे सिर दर्द होता है। इस पर डॉक्टर कहते हैं, ये तो नॉर्मल बात है, अगर डे को सिर दर्द होता है तो उसे उस टाइम बस सोचना बंद करना होगा, और उसके बाद कुछ समय के बाद उसका दर्द वापस से ठीक हो जाएगा, डे नॉर्मल हो जाएगा। ये सुनकर ईट डे की तरफ देखने लगता है। फिर नेक्स्ट दिखाते हैं, जहाँ पर
ईट अपने डैड के साथ होता है हॉस्पिटल में ही। ईट कहता है, डैड मैं आपके बिजनेस में आपकी हेल्प भी नहीं कर पाता। इस पर ईट के डैड कहते हैं, कोई बात नहीं। इस पर ईट कहता है, मेरी बिना तो आप ठीक हैं क्योंकि मैं आपके बिजनेस में कोई हेल्प नहीं कर पाता, लेकिन डे के बिना तो आपके लिए सब कुछ करना बहुत ही मुश्किल होगा। आई एम सॉरी डैड, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाता। इस पर ईट के डैड कहते हैं, कोई बात नहीं। आगे ईट के डैड कहते हैं, स्टार्टिंग में मुझे और तुम्हारे मॉम को तो डे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हमें लगा था कि डे तुम्हें हमसे दूर कर देगा। हम बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, पर डे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और देखो, डे हमारा दूसरा बेटा बन गया और हम बहुत ही हैप्पी हैं कि अगर हम नहीं भी रहे तब भी डे है तुम्हारी केयर करने के लिए। इस पर ईट कहता है, डैड आप ऐसी बातें मत कीजिए। ईट के डैड कहते हैं, तुम बातों को तो रोक सकते हो पर किसी की उम्र को नहीं। देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें केयर करना सीखना चाहिए, और देखो अभी तुम कितनी अच्छी से डे की केयर कर लेते हो। इस पर ईट कहता है, थैंक यू सो मच डैड, और इतना कहकर अपने डैड को गले लगाता है। और यहाँ पर सीन खत्म होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर डे और ईट अपने घर वापस आ जाते हैं, और डे यहाँ पर ईट से बहुत ही गुस्सा होता है। ये देखकर ईट वहाँ से जाने लगता है। तभी डे कहता है ईट से, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है? ये सुनकर ईट शॉक हो जाता है और डे की तरफ देखने लगता है। आगे डे कहता है गुस्से में, अगर तुम्हें मेरे साथ रहने से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो तुम्हें मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर ईट गुस्से में कहता है, व्हाट द हेल डे, तुम आखिर बोल क्या रहे हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस पर डे गुस्से में कहता है, तुम हो जो मेरे साथ रहना नहीं चाहते। तुम्हें मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम होती है, तुम्हें मेरी केयर करने में तकलीफ होती है। ये सुनकर ईट गुस्से में कहता है, क्या मैंने तुमसे ऐसा कभी बोला है? और इतना कहकर ईट यहाँ पर रोने लगता है। उसे काफी बुरा लगता है डे की बातों का। आगे ईट कहता है, तो तुम्हारे दिमाग में बस यही सब बातें हैं मेरे बारे में? माना मैं तुम्हारी बातों से सैड हो जाता हूँ, पर डैम इट डे, मैंने आज तक कभी भी तुम्हें छोड़ने के बारे में नहीं सोचा है। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? और इतना कहकर ईट यहाँ पर रोने लगता है। तभी डे ईट की तरफ देखता है और कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने तो बस तुम्हें थोड़ी सी बातें ही बोली, क्या तुम सच में मैन हो? इस पर ईट गुस्से में कहता है, किसने ये रूल बनाया है, नियम बनाया है कि लड़के रो नहीं सकते, मैन नहीं रो सकते? बोलो डे। यह सुनकर डे कुछ नहीं बोलता। फिर डे कहता है, ईट तुम इधर आओ। और ईट यहाँ पर कुछ नहीं बोलता। आगे डे कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खुद से दूर ना करूँ तो तुम यहाँ आ जाओ। ये सुनकर ईट डे के पास जाता है। डे कहता है, बैठो। ईट नहीं बैठता। तभी डे ईट का हाथ खींचता है और ईट को नीचे बैठाता है सोफे पर। डे ईट की तरफ देखता है और कहता है, तुम अब रोना बंद भी करो, वरना अगर नाइट ने देख लिया कि तुम ऐसा रो रहे हो तो वो मेरा गला ही काट देगा। तो यहाँ पर डे को अपने भाई नाइट से डर लगता है, अपने छोटे भाई से, क्योंकि नाइट जब भी देखता है कि डे ने ईट को हर्ट किया है वो डे पे बहुत ही गुस्सा करता है। इसलिए डे यहाँ पर ऐसा बोलता है ईट से। डे यहाँ पर ईट के फेस को टच करता है। ईट को लगता है कि डे उसके आंसू पोछेगा, और तभी डे जोर से ईट के आंखों के पास दबाता है। इस पर ईट चिल्लाता है और कहता है, दर्द हो रहा है। इस पर डे कहता है, हाँ अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें दर्द ना हो तो तुम रोना बंद करो। ये सुनकर ईट रोते हुए डे का हाथ पकड़ता है और कहता है, मेरे पुराने डे तुम वापस आ जाओ। ईट यहाँ पर रोने लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो बार बार एक ही बात बोलता है कि मेरे पुराने डे तुम वापस आ जाओ, तुम मेरे पास वापस आ जाओ। और ये कहकर ईट यहाँ पर रोने लगता है, और ईट को ऐसा रोता देख डे यहाँ पर इमोशनल हो जाता है। डे ईट को पकड़ता है और ईट को अपने कंधे पर सुलाता है, और ईट यहाँ पर डे के कंधे पर सिर रख कर रोने लगता है। और तभी ईट डे की तरफ देखता है, डे भी ईट की तरफ देखता है, और दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। और ईट यहाँ पर डे को किस करने चाहता है। डे भी ईट के काफ़ी क्लोज आ जाता है, और दोनों यहाँ पर किस करने वाले होते हैं। तभी डे ईट को रोक देता है और वो ईट को साइड कर देता है। डे ईट को वहाँ से हटा देता है, और बेचारा ईट यहाँ पर रोने लगता है, और डे यहाँ पर ईट को इग्नोर करता है। तो सच में डे यहाँ पर ईट को रोता हुआ देख भी बहुत ही रूड भी हो करता है। और इसी के साथ एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।